हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे एंड एकदम मस्त होंगे। गाइज, आज की वीडियो में आप सभी के लिए लेके आए हूँ, देख सकते हैं कि 2.1 एम्पलीफायर। गाइज, किस तरीके से आप घर पर एक 2.1 एम्पलीफायर बना सकते हैं, एंड आपको अगर ये एम्पलीफायर परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हैं। गाइज, ये एम्पलीफायर ऑर्डर पर बनाया गया है, जो कि गुजरात के कस्टमर हैं उनके लिए। तो गाइज, चलिए क्या कुछ इसके अंदर मॉडिफिकेशंस की हैं, कौन सा बोर्ड इसके अंदर मैंने यूज़ किया है 2.1 एम्पलीफायर बनाने के लिए, कौन सा लो पास फिल्टर एंड सैटेलाइट में कौन सा बोर्ड मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, सारे डिटेल्स वीडियो में देने वाला हूँ गाइज, सारी डिटेल्स वीडियो में देने वाला हूँ गाइज। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें, जो भी चैनल पर नया आएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देगा। चलिए वीडियो करते हैं जल्द से स्टार्ट। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कैबिनेट की। सो गाइज, जो हमने यहाँ पर कैबिनेट यूज़ की है, ये AF2 साइज़ की एक कैबिनेट है, देख सकते हैं कैबिनेट की क्वालिटी। अगर आपको कैबिनेट बाय करनी है, इस वीडियो से रिलेटेड जो भी सामान आप देख रहे हैं वीडियो में, कुछ भी बाय करना है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है गाइज। व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में से जाकर ले सकता है वीडियो के एंड, या तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर ले सकता है गाइज। चलिए यहाँ पर फ्रंट पैनल की बात कर लेते हैं गाइज। देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट पैनल में आपको 5 नोब्स देखने के लिए मिल जाती हैं। देख सकते हैं ये सबवूफर फ्रिक्वेंसी के लिए है, ये सबवूफर की वॉल्यूम के लिए, एंड ये बेस और ट्रेबल के लिए, जो कि अपने सैटेलाइट के बेस ट्रेबल बढ़ाने के लिए है। और ये गाइज ये हमारा मेन वॉल्यूम है, और यहाँ पर जो मैंने यूज़ की है BT अपनी, देख सकते हैं ये इको माइक के साथ जो बड़ी IC वाली BT आती है वो यूज़ की गई है। सिलेक्टर पिंस हैं एंड यहाँ पर 2 माइक देखने के लिए आपको मिल जाते हैं गाइस। और पीछे क्या कैसा लुक होने वाला है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। बैक साइड का लुक ये देख सकते हैं, बैक साइड का लुक इस तरीके से है। एक यहाँ पर फ़ैन देखने के लिए मिल जाता है आपको, जो कि 3 इंची का फ़ैन है गाइस। यहाँ पर दो अपने ARC सेलेक्टर पिंस लगाने के लिए हैं, बाकी यहाँ पर कनेक्शन नहीं किए गए हैं, ओनली यहाँ से कनेक्शन किए गए हैं। यहाँ पर सैटेलाइट लगा सकते हैं आप, 4 सैटेलाइट कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं नीचे वाला जो है वो सबवूफर का सेक्शन होने वाला है। यहाँ पर एक अपना फ्यूज़ दिया गया है, जो कि एम्पलीफायर प्रोटेक्शन के लिए है। चलिए भाई, इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं हम एंड दिखाता हूँ इसके अंदर कौन सा बोर्ड मैंने यूज़ किया है। सो गाइज, ये देख सकते हैं ये अपना इंटरनली जो भी यहाँ पर बोर्ड यूज़ किए गए हैं वो मैं बता देता हूँ 2.1 एम्पलीफायर बनाने के लिए। ये देख सकते हैं गाइज, ये मोनो बोर्ड यूज़ किया गया है 150 वाट, जो कि 5200 और 1943 में आता है जो बोर्ड अपना मोनो में, वो यूज़ किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं लो पास फिल्टर है, LM324 वाला नहीं किया है यहाँ पर 4558 IC के अंदर यूज़ किया गया है, जिसके अंदर 2 वॉल्यूम देखने के लिए मिलते हैं अपने फ्रिक्वेंसी और यहाँ पर पेस कंट्रोल के लिए। तो यहाँ पर ये वाला मैंने अपना लो पास फिल्टर यूज़ किया है। और जो अपना BT देख सकते हैं, यहाँ पर BT दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं SMD वाली बेस टेबल यहाँ पर यूज़ की गई है, देख सकते हैं SMD वाली बेस टेबल यूज़ की है। और ये जो अपना सैटेलाइट के लिए बोर्ड देख रहे हैं गाइज, ये ST के 4141 में होने वाला है, जिसकी जो साउंड की क्वालिटी है गाइज बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साउंड है। और गाइज ये देख सकते हैं बोर्ड की क्वालिटी भी देख सकते हैं, फिलिप्स के सारे कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्वालिटी आने वाली है सैटेलाइट स्पीकर्स में। और अपने ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, यहाँ पर 30-0-30 5 एम्पियर है, यहाँ पर 18-0-18 5 एम्पियर है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी पावर सप्लाई होने वाली है। यहाँ पर ब्रिज लगाया हुआ है, देख सकते हैं कैपेसिटर और डायोड्स का, और यहाँ पर ऑलरेडी अपना ब्रिज लगा हुआ है बोर्ड के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं ये अपना 3 इंची फैन है, तो ये कुछ इसमें वायरिंग की हुई है गाइस। अगर आपको भी इसी तरीके का एम्पलीफायर कुछ बनवाना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। चलिए इसकी साउंड टेस्ट पे आएंगे, उससे पहले बता देता हूँ, अगर आपको ये एम्पलीफायर पसंद आ रहा है या इस एम्पलीफायर से रिलेटेड कोई भी पार्ट आपको बाय करना है तो गाइस मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है व्हाट्सअप का, वो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर आपको मिल जाएगा। सो गाइस, चलिए इसका साउंड टेस्ट करते हैं एम्पलीफायर का, एंड आपको साउंड की क्वालिटी अगर बेहतरीन सुननी है तो उसके लिए हेडफोन का यूज़ कीजिए, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर एंड क्लियर आपको साउंड सुनाई देगी गाइस। चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसकी पावर इन कर लेते हैं, देन इसमें सबवूफर और सैटेलाइट स्पीकर अटैच कर लेते हैं अपने।
सो गाइस यहाँ पर अपने ओवरऑल कनेक्शन मैंने कर दिए हैं, और यहाँ पर सबवूफर भी अटैच कर लिया है। जो मैं यहाँ पर सबवूफर चला रहा हूँ वो 135 की मैग्नेट के अंदर है, जिसके अंदर वॉइस कॉइल का जो साइज़ बता दूँ वो 51.4 mm की कॉइल है। इससे पता लगा सकते हैं कितने RMS का सबवूफर इस पर चलने वाला है गाइस। और यहाँ पर जो सैटेलाइट है गाइस अपनी, ये मान लीजिए 20-20 वाट की सैटेलाइट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। वैसे तो ये 50 वाट के अंदर इसके अंदर स्पीकर लगा हुआ है, एक इसी तरीके से कार के अंदर आता है, जो वो सैटेलाइट यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मली है सैटेलाइट, इस पर गाइस ध्यान ना दें, साउंड टेस्ट पर ध्यान दीजिए। अगर आपको साउंड टेस्ट बेटर चाहिए, साउंड क्वालिटी अगर आपको बेटर सुननी है इसकी, तो कृपया हेडफोन का यूज़ कीजिए। चलिए यहाँ पर पावर ऑन करता हूँ मैं अपना, ये देख सकते हैं गाइस पावर ऑन हो चुकी है और यहाँ पर बिल्कुल ऑन हो गया है और पीयर भी हो चुका है गाइस। चलिए यहाँ पर एक एनसीएस सॉन्ग प्ले करता हूँ। एनसीएस सॉन्ग प्ले करने का रीज़न है कि नॉन कॉपीराइट सॉन्ग मेरे को प्ले करना होता है गाइस, जिससे कि कॉपीराइट वीडियो पर ना आ जाए। अगर आपको इसका दूसरे साउंड में साउंड टेस्ट सुनना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियोस डाल दूंगा इस एम्पलीफायर की कि किस तरीके का इसका साउंड रिव्यू है बाकी सारे सॉन्ग्स पर गाइस। चलिए यहाँ पर सॉन्ग प्ले करते हैं। सो गाइज ये था इस एम्पलीफायर का साउंड टेस्ट, आपने सुन लिया होगा। अगर आपने हेडफोन का यूज़ किया होगा इस, तो आपको इसकी बेस की क्वालिटी पता लग गई होगी कि किस तरीके का बेस प्रोड्यूस हो रहा है अपनी इस एम्पलीफायर से गाइज। तो गाइज अगर आपको भी इसी तरीके का एम्पलीफायर बनवाना है, या आप बनाने जा रहे हैं हैंडमेड अपने घर पर, तो किस तरीके से आप बना सकते हैं मैंने आपको पूरी गाइडेंस दे दी है, क्या कुछ आपको एम्पलीफायर के पार्ट्स इसमें यूज़ करने हैं गाइज। तो चलिए गाइस आज की वीडियो इतनी ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।